उस साइड रुक, भाग भाग भाग। अम्मी जा, क्या कर रही है? एनी टाइम मोबाइल में बिजी रहती है। बेटा मैं मोबाइल में कुछ कर रही हूँ, तुम सब जाओ खेलो, जाओ बेटा। ठीक है। देखो देखो, मारो मारो मारो, दो नंबर वाला पीछे पड़ा है तुम्हारे, छोड़ना मत। एक नंबर वाला मारिए 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 मारिए, पीछे गया पीछे गया, देखिए मारिए मारिए। वाह, मार दिया, हम लोग जीत गए। यस, हम लोग जीत गए। हेलो दो नंबर वाले, सुनिए ना, आपका नाम क्या है? सचिन। सचिन, और कहाँ से हैं आप? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से? आप कहाँ से हैं? आपके पड़ोसी मुल्क मैं पाकिस्तान से हूँ। एक काम कीजिए ना, मुझे इंडिया देखना है, अपना प्लीज नंबर दीजिए ना, मैं कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल, इंडिया दिखा दीजिए ना, कैसा होता है इंडिया। एक काम कीजिए, अपना नंबर दीजिए, मैं कॉल करता हूँ। मेरा नंबर है, आप डायल कीजिए 925। ओके ठीक है, मैं अभी वीडियो कॉल कॉल करता हूँ। ये देखिए दिल्ली के बाजू में नोएडा है, ये हमारा शहर दिखा रहे हैं आपको, देखिए। बात मेरे दिल में लग रहा है, मन कर रहा है कब जाके मिलो उससे, थोड़ा बैठे कहीं टाइम पास करते हैं। देखिए आपसे पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, आपसे मिलने के लिए मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। अल्लाह, आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, पाकिस्तान में आप आएंगे आपकी जान का खतरा है। जान खतरा में तो क्या है, जान हथेली पे लेके आपसे पाकिस्तान मिलने के लिए आ जाऊंगा। अरे आप पागल मत बनिए, हमारे बारे में आप कुछ जानते हैं? हम कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं। मैं चार बच्चों की माँ हूँ। आप चार बच्चे की माँ हो या दस बच्चे का माँ हो, हमें से क्यों ये दराज नहीं है? आप बोलिए तो मैं पाकिस्तान आके आपसे कभी मिल सकता हूँ। ना ना, आप ऐसा मत कीजिए, मैं ही इंडिया आती हूँ, इंडिया का तो डायरेक्ट यहाँ से वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ नेपाल आती हूँ, वहीं पर हम लोगों का मिलन होगा। ठीक है, तब आप नेपाल में आइए, हम दोनों का मिलन वही होगा। देखिए आप चार बजे का माँ है या दस बजे का माँ है, आपसे मैं मिलने के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ। नहीं, 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 सचिन तुम्हारी जान के खतरा है, तुम यहाँ मत आना कर। मम्मी, किसका जान के खतरा है? बेटा कुछ नहीं, देखो बेटा मैं तुम लोगों को कल नानी के घर छोड़ दूंगी, अब मुझे थोड़ा अपने दोस्त से मिलने जाना है नेपाल। ठीक है बेटा? ठीक है आमी। सो जा बेटा। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुआ, आप मिल गए मुझे सब कुछ मिल गया, बस आप मेरे आंखों के सामने रहिए। मेरा भी यही हाल है, आपको पाकर मैं भी दुनिया की हर खुशी पा रही हूँ, बस अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। आप आश्वस्त करने के बाद मेरे दिल धड़क रहा है,
मेरा दिल कह रहा है कि अभी अपना दिल की रानी बना लो। मेरा भी तो वही हाल है। चलिए अभी कभी शादी करके हम लोग एक दूजे को हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। देखिए, आपका चार लड़के पाकिस्तान में है, आप पाकिस्तान जाइए, उन लोग का हिंदी बर्बाद करना ही चाहते हैं। साथ में लेके आइए, हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करेंगे, उसके बाद इंडिया चलेंगे। आपका दिल बहुत नेक और पाक है, जाने का तो दिल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कीजिए, चार बच्चों का जिंदगी का सवाल। आप मुझे भी रुला दिए, मत रोइए, आपको जाने देने का दिल नहीं करता है, पर क्या करें, चार बच्चों का जिंदगी का सवाल है। चलिए चलिए, आपको मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। सचिन, मैं कैसे जा रही हूँ, मैं ही जा रही हूँ, मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर जा रही हूँ, लेकिन आप मेरा इंतजार कीजिए। चलिए, मैं जरूर आऊंगी इंडिया बच्चों को लेकर। ठीक है चलिए चलिए। सीमा फोन नहीं की, क्या बात है, तो कॉल लगाते हैं। ये तो इंडिया से सचिन का फोन है। हेलो, क्या हुआ, अभी तक वीजा वजा मिला कि नहीं? क्या करूं, डायरेक्ट वीजा नहीं ना मिल रहा है। अरे कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ दूसरे रास्ते से आने को। ठीक है, तो तुम पाकिस्तान से दुबई आओ, दुबई से आ जाना नेपाल, फिर हम लोग चल के जो करना हो करेंगे। सचिन, आप टेंशन मत लीजिए, मैं दुबई के टिकट लेकर उसके बाद से नेपाल आऊँगी, और नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में हम लोग शादी करके उसके बाद इंडिया चल चला जाएगा। चिंता मत करो अम्मी जान, किसे बात कर रही है? अरे बेटा, ये तुम्हारे इंडियन पापा हैं, और हम लोग कल इंडिया चलेंगे। इंडियन पापा? हाँ बेटा, हम लोग इंडियन जाएंगे लो। देखो बेटा, इस रूम को मैं 12 लाख में बेच दूँगी, और कल के कल हम लोग इंडिया चल चलेंगे, क्योंकि ये रूम जिसको बेचे हैं उसका हो जाएगा। ठीक है मम्मी, तो चलिए हम लोग तैयारी कर लेंगे। हाँ बेटा, चलिए तैयारी किया जाए। चलो बेटा। पापा हम जा रहे हैं नेपाल। क्या बात है बेटा? पापा हम नेपाल जा रहे हैं। कौन से काम के लिए जा रहे हो बेटा? पापा मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं जब नेपाल से लौटूंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, नेपाल से आना तो तूफान मुझे भी दिखाना। ठीक है बुआ, चलते हैं। ठीक है। बता रहा है अभी तक आए नहीं। अरे वो तो आ गए। अरे आप आ गए, आपके कब से इंतजार कर रहे थे, आपका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। अरे क्या कीजिएगा, आने में बहुत परेशानी हुआ है, वहाँ से तो मैं दुबई आई, दुबई से फिर नेपाल आई, और नेपाल एयरपोर्ट से अभी टैक्सी से मैं जल्दी जल्दी आपके पास ही आ रही हूँ। सब बात छोड़िए, पहले चलिए आप होटल में, आप भी भूखे होंगे, बच्चे सब भूखे होंगे, पहले खाना खाएंगे हम लोग, खाना खाने के बाद चलेंगे बासुपाद मंदिर, वहाँ हम लोग चल के शादी करेंगे आज की आज ही, उसके बाद पोखरा से हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे, गाड़ी पकड़ के चलेंगे हम लोग इंडिया। ठीक है चलिए, चलो बच्चों। आपके साथ और चार बच्चे के साथ, गांव वाले बोलेंगे ये चार लड़के और ये औरत कौन है, फिर हम क्या जवाब देंगे। हाँ जी, आपका बात बिल्कुल सही है,
लोग तो सवाल उठाएंगे ही, उससे बढ़िया है कि हम लोग यहीं पर रहेंगे। ठीक है चलिए आइए, आइए बच्चों सब आइए। बच्चे सब तो सो गए हैं, खाना पीना खा लो, हम लोग भी सो लेते हैं। अरे आज हम लोग का पहला दिन है, सुहागरात में मनाएंगे। ये यहाँ हम लोग रहते हुए 4 महीना हो गया और बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, उनका लाइफ जो है जीवन बर्बाद हो रहा है। किसी स्कूल में उन लोग का दाखिला हो जाता तो सही रहता, लेकिन उसके लिए तो प्रूफ चाहिए ना, और प्रूफ तो यहाँ का नहीं है। कोई अगर आपके पहचान में वकील है तो चलिए उससे बात विचार करके बनवा लेते हैं बच्चों को और स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। हाँ हमारे हमारे पहचान के वकील है ना, चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कोर्ट में चल गए। अच्छा अच्छा चलिए चलिए। बोलिए क्या परेशानी है आपकी? सर हम लोग पति पत्नी हैं और हम लोग के 4 बच्चे हैं, उन लोगों को स्कूल में दाखिला कराना है। बच्चों का नामांकन कराना है तो आप लोग जाइए स्कूल में नामांकन कराइए, कोर्ट कचहरी दौड़ने की क्या जरूरत है? सर मैं एक पाकिस्तानी औरत हूँ और पाकिस्तान से मैं दुबई आई हूँ, दुबई से काठमांडू आई हूँ, और पशुपति जो नाथ मंदिर है उसमें हम दोनों आदमी शादी किए हैं, तो बच्चों लोग को नामांकन करवाना है और उसके लिए प्रूफ चाहिए, तो इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं, आपका मदद का जरूरत है हम लोग। पाकिस्तानी औरत और दुबई से यहाँ? वकील साहब कहाँ खो गए? नहीं 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 कुछ नहीं, अपना ऐसा कीजिए नाम पता बच्चों का नाम दे दीजिए और लिख दीजिए इस पर। अच्छा काम हो जाएगा तो खर्चा हम ले लेंगे, काम पहले करते हैं उसके बाद। ठीक है सर ठीक है। अरे पाकिस्तानी औरत है, 4 बच्चे हैं, बिना पासपोर्ट वीजा के इंडिया में एंट्री कर गया, हमें तो लगता है कि ये कोई पाकिस्तानी जासूस है या तो ISI का एजेंट है जो पाकिस्तान इसको भेजा है इंडिया में जासूसी करने के लिए। इसकी सूचना थाना को देना चाहिए, खबर किया जाए थाना को, देते हैं थाना को सूचना। किसका फोन आ गया? देखिए सर कुछ धंधा वंधा। इंस्पेक्टर साहब। हाँ हम संतु राय बोल रहे हैं। प्रणाम प्रणाम सर। नमस्कार सर। देखिए एक औरत जो है बिना वीजा पासपोर्ट का इंडिया में एंट्री कर गई है। अच्छा। और 4 बच्चों के साथ आई है। अच्छा। एक भोला भाला लड़का इंडिया का फंसाली है। अच्छा। उसके साथ आई है, मेरे पास आई थी कुछ कागजात बनाने के लिए। अच्छा, अच्छा। उसका हम WhatsApp पर आपके भेज रहे हैं जी, उसका नाम पता थोड़ा वेरिफिकेशन कीजिए तो कि ये सब क्या है, मामला को पर्दाफाश कीजिए तो ये कौन है लोग। ठीक है ठीक ठीक है सर, अभी तुरंत हम भेज रहे हैं सर। सर ये किसका फोन था? ये वकील साहब का फोन था। पाकिस्तान से 4 बच्चे को माँ आई है, हिंदुस्तान में एक लड़का से शादी कर ली है, हमें तो लगता है वो औरत पाकिस्तानी जासूस है, हमें दोनों को अरेस्ट करना पड़ेगा। चलिए सर चलो। वकील साहब का फोन आया? अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। आज का डेट दिए थे अभी तक नहीं कुछ बताएं, फोन लगाइए तो। मुखिया कॉल कर रहे हैं। पुलिस। हाँ पुलिस। ये पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों के लेकर बिन वीजा के आई है हिंदुस्तान में, इसलिए इसको अरेस्ट करते हैं। ये कैसे हो सकता है, मैं पशुपतिनाथ मंदिर में शादी किए हैं, ये पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी हो गई है। ये सब मैं नहीं जानता हूँ, सिपाही जल्दी अरेस्ट करो इन लोगों को। ये तो मेरा लड़का है, पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लिया है, उससे क्या हुआ, पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, मैं चलता हूँ अभी उसको बेल कराऊंगा। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं खुशी न्यूज, मैं हूँ आपका दोस्त अच्छे सिंह और आज मैं आया हूँ इंस्पेक्टर साहब के पास जो एक पाकिस्तानी औरत सीमा हैदर को पकड़ कर जेल में डाले हैं, तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी सर, आपने एक पाकिस्तानी औरत को जेल में डाले हैं तो उस पर कुछ बताना चाहते हैं सर?
इंडिया में वो पाकिस्तानी औरत गैर कानूनी ढंग से प्रवेश की थी, इसलिए उसको पकड़ के हम लोग जेल में किए हैं। अच्छा सर, इसके बारे में और कुछ आप बताना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, अभी कानूनी कार्रवाई चल रहा है, जो सच्चाई सामने आएगा तब मैं बताऊँगा आपसे। ठीक है, थैंक यू सर। अभी आपने देखा कि सर ने बताया कि अभी कानूनी कार्रवाई चल रहा है, तो चलते हैं सचिन के घर और पता करते हैं कि इसके बारे में क्या है, कैसे वो सीमा हैदर उनके घर आई। देखते रहिए खुश न्यूज। नमस्कार। ऐसा नहीं हो सकता, एक पाकिस्तानी औरत एक हिंदुस्तानी छोकरा से प्यार करी। पाकिस्तान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान में जाकर मुस्लिम धर्म को खत्म कर हिंदू धर्म को अपनाए। ये पाकिस्तानियों को कभी भी मंजूर नहीं। दारुल हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करेंगे कि उस जाहिल सीमा हैदर को किसी ना किसी बहाने पाकिस्तान बुलाया जाए। जब वो पाकिस्तान आ जाएगी तो उसको पत्थर से मार मार कर मौत के घाट उतारेंगे। तभी हम और पाकिस्तानियों का ये कौलता हुआ कूट शांत होगा। जी हजूर, हम यूट्यूबर हैं, हम इंडिया में झूठ बोल देंगे सीमा हैदर एक क्लब डांसर थी। का मतलब तू कहना यही चाहते हो कि वो क्लब में डांसर थी? जी हजूर। और किसी राजनेता के साथ उसका अवैध संबंध था? जी हजूर। अरे बहुत अच्छा दिमाग है तुम्हारा। हम सोशल मीडिया पर डाकू के भेष में आकर के पाकिस्तानी हिंदुओं को मारने की धमकी देंगे। हिंदुस्तानी सरकार अपने आप उस सीमा हैदर कुतिया को पाकिस्तान के हवाले कर देगी। रणनीति, राजनीति, कूटनीति, जो भी हो नीति अपना कर उस कुतिया को पाकिस्तान के हवाले लाना ही होगा। फतवा जारी करते हैं उस जाहिल कबार औरत को पाकिस्तान लाया जाए और दारुल हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करेंगे किसी ना किसी बहाने उस जाहिल औरत को पाकिस्तान लाया जाए और उसको ऐसी सजा दी जाए कि दूसरी औरतें पाकिस्तान की देखें तो उसकी रूह कांप उठे। जी हजूर, अपने हम अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है, लग जाइए। देखिए अभी हम पहुंच गए हैं सचिन के घर के पास में और देख लीजिए रोड पर कितना भीड़ लगा है। तो चलते हैं सचिन के पिताजी से बात करते हैं कि वो सीमा हैदर जो कैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई। आइए देखते रहिए न्यूज, खुश से न्यूज। देखिए अभी हम पहुंच गए हैं सचिन जी के घर, ये सचिन जी का पिताजी हैं। अच्छा, आपके घर पाकिस्तानी एक औरत आई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो पाकिस्तानी कहाँ है, वो मेरी बहू है। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करके जेल से बेल करा कर अपने घर लाया हूँ। अच्छा अच्छा, वो पाकिस्तानी के हिंदुस्तानी है, इंडियन है। अंकल जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि वो पाकिस्तानी जासूस है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, जो कहता है गलत कहता है। अंकल जी, आप इतना उन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसलिए उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की है। अच्छा। वो मेरे घर की बहू है, वो कोई गड़बड़ी करती है और जासूसी को पता चलता है तो मुझे सूली पर लटका दिया जाएगा। जी अंकल जी, हम सीमा जी से बात करना चाहते हैं। बात कर सकते हैं, तो आइए हम बात कराते हैं सीमा जी से। आगे हम सचिन जी के घर, सचिन जी, सीमा जी आइए आइए बैठिए, कुछ आप लोग से बात कर लें। तो आपका और जो सचिन जी का प्यार है वो कैसे और कब शुरू हुआ? मेरा प्यार हुआ था पबजी के जरिए। अच्छा अच्छा, पबजी के जरिए। हाँ, मैं पबजी खेलती थी और मैं पबजी का बहुत ही शौक हूँ और ये भी खेलते थे तो हम लोग पार्टनर थे। अच्छा, उसमें पार्टनर ग्रुप थे। हाँ, थे लोग और वैसे ही खेलते थे लोग, ये बहुत अच्छे खेलते थे और इसी तरह बात करते करते मतलब प्यार हो गया। अच्छा सचिन जी, आप हमसे ये बताइए कि ये थारी पाकिस्तान की और एक हिंदुस्तान में आते हुए ये कैसे तरह हिंदी बोलने लगी और हिंदी रीति रिवाज को कैसे इतना जानती है? देखिए, पहले पाकिस्तानी थी और अब पाकिस्तानी नहीं है। इनका पहनावा देख लीजिए, जो मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है। देखिए, सब हिंदू धर्म अपना अपना लिए है। अब ये सीमा हैदर नहीं, सीमा देवी है। जैसे अभी सीमा के पति सचिन से आपने सुना कि ये हिंदू धर्म अपना ली है,
तो आइए पूछते हैं सीमा जी से कि ये हिंदू धर्म के बारे में क्या जानती है और क्या बता रही है इसके बारे में। जी बोलिए। हिंदू धर्म के बारे में मुझे सचिन ने बहुत कुछ सिखा दिया। अच्छा अच्छा, इसलिए आप देख सकते हैं मैं पूरा मंगलसूत्र पहनी हूँ, माथे में सिंदूर लगाई हूँ। सचिन बोले कि हम लोग हिंदू में ऐसा ही रहा जाता है, इसलिए मुझे ये सब मालूम है और मैं पाकिस्तान छोड़ के मैं इंडिया में आ गई हूँ। ये तो सब ठीक है, लेकिन आप पे बहुत सारा इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। अगर भगवान ना करे कि आपको पाकिस्तान भेजा जाए, अगर आपको पाकिस्तान भेजा जाए इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं योगी जी और मोदी जी से गुहार कर रही हूँ कि हमको पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, नहीं तो वहाँ के लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे इंडिया में ही रहने देंगे। जी, तो अभी आपने देखा सीमा जी का और सचिन जी का बयान, तो अभी चलते हम गांव के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों का क्या राय मशवरा है, देखते रहे खुशी न्यूज। रंजन आप डायलॉग बोलिए, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। सुन रहा हिंदुस्तानी सरकार, अगर 2 दिन के अंदर मैं सीमा हैदर को पाकिस्तान में नहीं भेजे तो हिंदुओं को जीना हराम कर देंगे। ठीक कह रहे हैं भाई जान, अगर 2 दिन के अंदर सीमा हैदर पाकिस्तान के अंदर आती है तो उसके पत्थर से मार मार के वो हंस करेंगे। ये वाक्य देख के कोई भी पाकिस्तानी लड़की की रूह कांप उठे। सीमा हैदर अगर पाकिस्तान में आ जाएगी तो उसका खून पी जाऊंगा। सुनो जनाब, जल्दी से इसको सोशल मीडिया पर डालो वीडियो। जी जनाब। नारे तकबीर अल्लाह-ओ-अकबर, नारे तकबीर अल्लाह-ओ-अकबर। लोग बैठे हैं, इनसे मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि सीमा हैदर के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। अंकल जी, आपके गांव के जो सचिन है वो सीमा हैदर से शादी किए हैं, आप उनको अपना गांव के बहू मानते हैं कि नहीं मानते? अरे काहे नहीं मानते, देश का लड़का है, वो अपने पत्नी मान लिया है तो हम लोग बहू काहे नहीं मानेंगे। देखिए गांव के लोग सीमा हैदर को अपना बहू मान रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, और लोगों से हम बात करेंगे, देखते रहिए खुशी न्यूज। अच्छा अंकल जी, आपके गांव के एक सचिन लड़का ने पाकिस्तानी लड़की से शादी किया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान से एथी को दिया जाए, भेज दिया जाए। अच्छा, लोगों का बहुत शिकार नहीं ना जासूसी हो? अच्छा ठीक है, तो देखिए ये अंकल जी बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जासूस निकल सकती है, तो सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो देखते रहिए खुशी न्यूज, सबसे आगे सबसे तेज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेगम किसी हिंदुस्तानी के बहकाव में आकर उसकी महबूबा बनकर अपना मजहब परिवर्तन नहीं कर सकती। मैं हिंदुस्तान सरकार से, खासकर मोदी जी और योगी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों को सही सलामत पाकिस्तान भेज दे। सचिन जी के घर ये भैया आए हैं सीमा जी को गिफ्ट देने। ये भैया आइए कुछ बात करने। भैया अच्छा, आप कहाँ से भैया? हम गोपाल में भैया के रहने वाले हैं। अच्छा, गोपालगंज के रहने वाले हैं। पाकिस्तानी भाभी आई है, बड़ी अच्छा की बात है। हम एक हिंदुस्तान का लड़का नाम रोशन किया है कि एक विकेट के एक बॉल के साथ 4-4 विकेट लेकर। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए हमको खुशी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची आई है सीमा जी को गिफ्ट देने। कहाँ से हुआ? अच्छा, गोपालगंज से बच्ची आई है। चलिए और देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं इधर। भैया आ रहे हैं। जी भैया गिफ्ट दे दीजिए। जी भैया आप कहाँ से हैं? भैया छपरा से हैं। अच्छा छपरा से। सीमा जी को आप कैसे जानते हैं? अरे सीमा जी को जानते हैं, जब पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान से आए हैं। जी जी जी। अच्छा थैंक यू भैया। देखिए एक और भैया आ रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से हैं। जी आप कहाँ से हैं? अच्छा राजगीर नगर से हैं। अच्छा सीमा जी को कैसे जानते हैं? पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान की भाभी है। चलिए भैया। अच्छा हिंदुस्तान की भाभी है। जी जी। तो देखिए अभी बहुत सारे लोग इनको गिफ्ट देने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप देखते रहिए खुशी न्यूज। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए, बैठिए। देखिए आज मैं आप लोगों को ऐसा खुशी सुनाने जा रहा हूँ
जिसको सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। हम हिंदुस्तान से एक एक करके सीरीज बराबर कर लिए। वो कैसे हजूर? अभी तो कोई इंडिया पाकिस्तान के सीरीज ही नहीं चल रहा है, तो वो कैसे सीरीज बराबर हो गया? तो एक एक से कैसे बराबर हो गया? अभी तुम लोग बहुत भोले हो, जानते हो, ये देखो अंजू नसरुल्ला, देखो 25 तारीख को अंजू पाकिस्तान में आई और नसरुल्ला के जाल में फंस गई, और वो अंजू अब अंजू नहीं फातिमा बन गई है, फातिमा। तो बताओ नसरुल्ला ने एक एक से सीरीज बराबर किया कि नहीं? जी जी हजूर, बराबर हुआ ना? जी हजूर। अब कोई भी हिंदुस्तानी अकड़ कर नहीं चलेगा जी कि हमने पाकिस्तानी लड़की से शादी किया है, क्योंकि अब ये सीरीज बराबर हो गई है। लेकिन पाकिस्तान का जो दयनीय स्थिति है, हमें बहुत डर लगता है कि कहीं एक सीमा गई, हजारों सीमा लांघ कर हिंदुस्तान न चल जाए, तब तो हमारी ऐसी कितनी सी हो जाएगी। जी हजूर, हमारे पाकिस्तान का ले कटोरा भीख मांगने की नौबत आ गई है। भाई जान ठीक कर रहा है, चलो लेकिन अल्लाह से, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा ऐसा दिन पाकिस्तान को देखना चाहिए। आमीन। आमीन।